पैर सीधे, जितना निर्देश दिया जाए उसको ध्यान से सुने तो ठीक हो जाएगा सब कुछ। कोई क्रिटिकल आसन नहीं कराते हम, दोनों हाथ कंधों के बराबर फैला देते हैं, हाथों के हथेलियों का रुख ऊपर की ओर होता है। इसमें गलती होने की कोई संभावना ही नहीं है, जिससे जितना हो जाए उतना कर ले। अब दाहिने पैर उठाओ, देखो 30 डिग्री पर उठा दो, इससे ज्यादा नहीं उठाया जाए तो कोई बात नहीं, जिनसे उठाया जाता है वो 60 डिग्री पर उठा दो और उसको अपोजिट साइड में जमीन पर टिका दो, बस कितना आसान है। देखो अब दाहिनी तरफ गर्दन को मोड़ दिया, पैर को उठाया और अपोजिट साइड में टिका दिया, बस फिर वापस ले आओ, फिर जमीन पर। कमर में दर्द है तो ज्यादा उठाया ही नहीं जाएगा, फिर बाएं पैर उठा दो 30 डिग्री पर या 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर उसको अपोजिट साइड में टिका दो, गर्दन अपोजिट साइड में ले जाओ, फिर वापस ले आओ, तो आसान है एकदम। कमर में ज्यादा दर्द है तो ज्यादा उठा ही नहीं पाएंगे आप, थोड़ा उठाओ, थोड़ा सा उठाओ, अपोजिट साइड में ले जाओ, जमीन पर टिकाओ, बस ज्यादा कर पाएगा उससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो जाएगा। ठीक है, वो ज्यादा कर पाएगा तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी और ज्यादा आ जाएगी। बाएं पैर को उठाया, अपोजिट साइड में टिका दिया। अब आप स्वस्थ हैं तो आप हाथ के पास पैर को ला सकते हैं, ये अलग बात है। फिर पैर को ऊपर उठाया और नीचे ले आए। अब दोनों हाथ जंघाओं के पास, चलिए अब एक एक पैर को ऊपर उठाइए, नीचे लेके आइए, एकदम सरल अभ्यास। एक एक पैर को ऊपर उठाना, नीचे लेके आना, दोनों हाथ जंघाओं के पास, जमीन पर। आवाज नहीं करें, हमारे शिक्षक भी ज्यादा ना बोले। एक एक पैर को ऊपर उठाया, नीचे लेकर के आए, कितना आसान है। हमारे योग प्रशिक्षक भी निर्देश इतनी धीमी गति से दें जिससे कि किसी अन्य को व्यवधान ना हो। घुटने सीधे, पंजे तने हुए, अब यदि आप पूर्ण स्वस्थ हैं, कमर में दर्द, हार्ट है, बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, तो दोनों पैरों को भी उठा सकते हैं। याद रखें, कमर में दर्द, हार्ट है, बीपी की प्रॉब्लम है तो दोनों पैरों से एक साथ नहीं करना, एक एक को उठा लेना। ये तीन अभ्यास वेट बैलेंस के लिए, वेट को बैलेंस करने के लिए। एक अभ्यास हुआ अर्धलासन, पाद वृत्तासन, दाहिने पैर से बड़ा शून्य बना देना। यूं तो प्राणायाम के करने से पूरे शरीर का जो अनावश्यक वेट बढ़ा हुआ है वो कम हो जाएगा, लेकिन इससे जो लोकल एरियाज में, थाई, बटक, सिप्स में, कमर, पेट, पीठ भाग में जो अतिरिक्त वेट बढ़ा हुआ है उसके लिए, ये लोकल फैट को बैलेंस करने के लिए पाद वृत्तासन। दूसरा अभ्यास, पैर से बड़ा शून्य बनाना, पूरी गोलाई में घुमाना उसको, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज भी, 5-5 बार शुरू में प्रारंभ करें, धीरे धीरे बढ़ाते जाए, जिसका जितना वेट ज्यादा उतनी बार पैर को गोल घुमाए, फिर बाएं पैर से भी बड़ा शून्य बनाए, बाएं पैर से भी बड़ा शून्य बनाया। दाहिने पैर के बाद बाएं पैर से बड़ा शून्य बनाना, पूरी गोलाई में क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, ये थाई बटक शिप्स के लिए, पेट पीड़ भाग के लिए बहुत अच्छा है। दोनों पैरों से करने से किसी को हानि भी हो सकती है, इसलिए हम उसको कम कराते हैं। जो जवान है, ऊर्जावान है, जिनको कोई रोग नहीं है, जिनकी रीढ़ की हड्डी पूर्ण स्वस्थ है, वो दोनों पैरों से भी इस अभ्यास को कर सकते हैं, एक साथ मिला करके इस तरह से। लेकिन वो रिस्क ना ले जिनको पहले ही डिस्क की प्रॉब्लम है। अब तीसरा अभ्यास, साइकिलिंग, एक एक पैर से साइकिल चलाना, ऐसे जैसे तुम पैडल मारते हो ना साइकिल में, इसको द्विचक्रिका बोलते हैं संस्कृत में, द्विचक्रिका आसन। कितना आसान है साइकिलिंग, ऐसे दोनों तरफ से करना। इस कमर का भी व्यायाम होता है पूरा, हाँ कमर को भी व्यायाम मिलता है, और जो पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति हो तो दोनों पैरों से एक साथ भी तो कर सकते हैं, इसको एक साथ भी कर सकते। कमर में दर्द, हार्ट, आईबीपी की प्रॉब्लम, हर्निया है तो दोनों से मत करना रे भाई,
इतना ध्यान रखना। तो ये द्विचक्र का आसन, ये 9 आसनों का पैकेज आपका पूरा हुआ। अब आपको थोड़ी देर आसनों के अंत में शवासन कराते हैं। शवासन भी एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। आसनों के बाद, व्यायाम के बाद, प्राणायाम के बाद आप शवासन में लेट जाएं। जो योग से थकान हुई थी उस थकान को भी मिटाएं। और केवल योगासनों के बाद नहीं, सोते समय भी आप शवासन में सो सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती है, जिनको हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, दोनों पैरों में थोड़ा फासला, दोनों हाथ जगहों से थोड़ी दूरी पर, हाथों की हथेलियों को रुख ऊपर की ओर, पूरी शरीर को रिलैक्स कर देते हैं। जैसे बालक मां की गोद में निर्भय रहता है, निश्चिंत रहता है, ऐसे ही उस परम पिता परमात्मा की गोद में, उस वात्सल्य में करुणामयी जगत जननी जगत माता, उस परमात्मा की गोद में अपने आप को समाहित कर देना, निश्चिंत हो जाना, निर्भय हो जाना। योग की साधना के क्रम में अब प्राणायाम कराते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मुद्राओं के बारे में बताते हैं। अंगूठा अग्नि का, तर्जनी वायु का, मध्यमा आकाश का, अनामिका पृथ्वी का, सबसे छोटी अंगुली कनिष्ठा जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए किसी को पेशाब के लिए जाना होता है तो यह उंगली खड़ी करते हैं। जब शक्ति का प्रदर्शन करना होता है तो अंगूठा खड़ा करते हैं। यह अग्नि है। जब आप इसमें गति है, गतिशीलता है, वायु सबसे वेगवान है, गतिवान है, ये वायु तत्व का प्रतीक। अंगूठा अग्नि का, तर्जनी वायु का, चंचल भी है ना सबसे ज्यादा, कभी भी किसी को बुलाते हैं तो इसी को हिलाते हैं, है ना। तो अंगूठा अग्नि का, तर्जनी वायु का, मध्यमा सबसे बड़ी है, आकाश सबसे विराट इस ब्रह्मांड में, मध्यमा आकाश का। इन उंगलियों को अलग अलग तरह से मिलाने से मुद्राएं बनती है। ये ज्ञान मुद्रा, पहली उंगली को अंगूठे से मिला दिए, दोनों हाथ ऐसे ही रखने हैं, ये तो आप देख पाए इसलिए ऐसे मैं बता रहा हूं, फिर नहीं तो कुछ ऐसे ही बैठ जाते हैं। ये तो देखने के लिए सुविधा हो इसलिए ऐसे करके बता रहा हूं, बैठना तो ऐसे ही है। फिर ये ध्यान मुद्रा स्ट्रेस के लिए, तनाव के लिए, ये वायु मुद्रा गैस एसिडिटी के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, ये शून्य मुद्रा कान के रोगों के लिए, ये पृथ्वी मुद्रा जो बहुत मोटे और बहुत पतले उनके लिए, ये वरुण मुद्रा जिनको पेशाब की बीमारी है उनके लिए, नाष्ट की दो उंगलियों को मिला दिया अंगूठे के अग्रभाग से, ये शक्ति मुद्रा जिनका शरीर बहुत कमजोर है, बीच की दो उंगलियों को और अंगूठे को आगे वाले हिस्से को यूं मिला दिया, ये अपान मुद्रा जिनके शरीर में विकृतियां बहुत बड़ी हुई, टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा है, जिनको कैंसर की प्रॉब्लम है, जिनको बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन है, जिनको टीबी है, वे बीच की दो उंगलियों को मिलाकर के ऐसे बैठे, टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स शरीर के खत्म हो जाएंगे, नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी बॉडी की, पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। अपान का काम ही है शरीर की अशुद्धियों को दूर करना, प्राण का काम है शरीर को ताकत देना, समान का काम है शरीर को अग्नि देना, उदान का काम है हमारी ज्ञान इंद्रियों को ठीक रख करके जीवन को सही दिशा में आगे लेकर के जाना, व्यान का काम है इन चारों प्राणों को जोड़ करके रखना, आदमी को मस्कुलर डिस्ट्रोफी आदि से बचा के रखना, ये ऑटोइम्यून डिजीज से बचा के रखना, इन पांच प्राणों का बहुत बड़ा महत्व है हमारी जिंदगी में। खैर, और थोड़ा सा एक्यूप्रेशर के बारे में बताते हैं। आयुर्वेद बहुत प्रभावी चिकित्सा पद्धति है, उसी तरह एक्यूप्रेशर भी एक बहुत चिकित्सा बहुत गहरा चिकित्सा विज्ञान है। अब जैसे किसी को कमर में दर्द है, पहले उंगली के पीछे से यहां से दबा लो, अभी बैठे बैठे अभी दर्द हो रहा है ना, अभी दबा लो, पहले उंगली के पीछे से यहां से ऐसे दबाना है, आपको तो ऐसे ही दबाना है, ये ऐसे तो मैं बता रहा हूं ना, तो यदि मैं ऐसे करके बताऊंगा तो आप देख नहीं पाएंगे, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूं, नहीं तो फिर कुछ लोग ना ऐसे ही करने लगते हैं कि शायद यही पोज होता हूं, कुछ लोग जैसे मैं करता हूं ना फिर वैसे ही करने लग जाते हैं, आगे सोचते ही नहीं, ऐसे दबाना। कमर दर्द में बहुत जबरदस्त फायदा होता है, जिनको नींद ना आती हो वो ऐसे दबा लेना, रिंग फिंगर के टॉप पर, ये
हमारे यहाँ अंगूठी पहनना, कान में बालियाँ पहनना, हाथ में चूड़ियाँ पहनना, पैर में पाजेब पहनना, बाजूबंद पहनना, नाक बिंधवाना, ये सब एकुप्रेशर एकुपंचर की पद्धति थी। अब जैसे शादी होते ही इस वाली अंगुली में ही तो अंगूठी पहनाते हैं ना, है ना? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, हमने तो पहनी नहीं, आपको पता होगा क्यों पहनाते, शादी से पहले क्यों नहीं पहनाते और शादी के बाद? यार ये भारतीय संस्कृति में एक विज्ञान था, ये तो ये अंगूठी पहनाते हैं तो इससे तनाव का स्तर कम हो जाता है, यहाँ ऊपर से दबाने से बीपी नॉर्मल हो जाता है, नींद अच्छी आने लग जाती है, जितने भी शरीर के अंदर डिफरेंट प्रकार के डिसऑर्डर्स है, वन साइड में, लेफ्ट साइड में कोई भी प्रॉब्लम है तो लेफ्ट हैंड में, ये मास्टर पॉइंट है, और इसको यू शेप में दबाएं और बीच में दबाएं तो कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, आंख की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, सारी दिक्कतें मिट जाती हैं। हाँ, नाक बंद है तो खुल जाते हैं, ये मास्टर पॉइंट है। फिर ये सभी साइनस के पॉइंट है, पहली दूसरी उंगली के नीचे यहाँ आँख का, लास्ट की दो उंगलियों के नीचे कान का, उसके जस्ट नीचे हार्ट का, उसके और थोड़ा सा नीचे यहाँ डायबिटीज का, हथेली के बीच में यहाँ किडनी का, अंगूठे के नीचे यहाँ थायराइड का, अंगूठे के ऊपर पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड का। देखो हाथ ऐसे रखो ना तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, यहाँ से मस्तिष्क का, साइनस का, फिर यहाँ से फिर यहाँ आँख का, फिर इधर कान का, और फिर बीच में फेफड़ों का, फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं ऐसे नीचे की तरफ आ रहे हैं, फिर यहाँ किडनी का, या बाईं और हार्ट है तो यहाँ हार्ट का, इधर ही थोड़ा पेन क्रियाज, थोड़ा सा बाईं और होता है वो यहाँ पर, तो ये जो है यहाँ पेन क्रियाज का, फिर ये इधर देखो ये थायराइड का, हाथ ऐसे रख के बता रहा हूँ ना, फिर ये पीछे से, अब यहाँ से ये स्पाइन का, फिर सारी नस नाड़ियों के पीछे से ये वाले चैनल, फिर किसी को, अब आपने हाथों में दम ही नहीं है दबाने का, तो ऐसे एक्यूप्रेशर के लिए हमने कुछ इक्विपमेंट आपको उपलब्ध कराए, छोटे छोटे इनको ऐसे दबा सकते हैं पॉइंटर से, अच्छे से दब जाएगा, ऐसे ऐसे छोटे वाले पॉइंट छोटे वाले से, बड़े वाले जैसे किडनी का है तो बड़े वाले से दबाएं बीच में, ऐसे जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी लेवल बढ़ा हुआ है। ABP News, आपको रखे आगे।